हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए HTML का एक और नया वीडियो, जिसमें मैं आपको आज रोस्पैन के बारे में बताऊंगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉल्सपैन के बारे में बताया था कि हम कैसे अपने टेबल में कॉल्सपैन का यूज करते हैं, तो ऐसे ही हम अपने टेबल में रोस्पैन का भी यूज करते हैं, ताकि हमें एक अपने सेल को मल्टीपल रोज के साइज के बराबर का अगर बनाना हो तो हम रोस्पैन का यूज करते हैं। कॉल्सपैन में हम क्या करते थे, आप एक सेल को मल्टीपल कॉलम्स के साइज के बराबर करने के लिए हम कॉल्सपैन का यूज करते थे। ऐसे ही हम किसी सेल के साइज को मल्टीपल रोज के बराबर करने के लिए हम रोस्पैन का यूज करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने रोस्पैन की एक एग्जांपल ली थी, जिसमें हमने फेवरेट फ्लेवर और फेवरेट कलर का टेबल बनाया था। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ कि हम रोस्पैन का यूज कैसे करते हैं और हमें रोस्पैन की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज कि हमने एक ऐसे टेबल बनाना है अपने वेब पेज में, जहां पे हमें ऐसे सपोज एक ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें एक सेल चाहिए जो हमारा फेवरेट का होगा, फेवरेट, और यहाँ पे हमारी दो रोज होंगी, और यहाँ ये फर्दर आगे कॉलम्स में डिवाइडेड होंगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, यह हमारा फेवरेट है, और यहाँ पे हमारा सपोज एक है हमारा कलर, ये हमारा कलर है फेवरेट कलर, और यहाँ पे है हमारा फेवरेट फ्लेवर, ठीक है फ्रेंड्स, फेवरेट फ्लेवर। तो यहाँ पे आगे कलर की फर्दर आगे वैल्यू दें, जैसे रेड, यहाँ पे ब्लू, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे सपोज ऐसे हमने अपने वेब पेज में टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे फ्लेवर कुछ भी ले लो आप, वेनीला या फिर कुछ भी ले लो, बटर स्कॉच ले लो, आइसक्रीम का बटर स्कॉच, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हमने टेबल क्रिएट करना है। तो अब हम, अगर हमें ऐसा सेल चाहिए कि जो ये हमारा सेल है, इसका जो साइज है वो दो रोज के बराबर है, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है, और ये हमारा जो सेल है इसका साइज है जो वो दो रोज के बराबर है, तो हम कैसे अपने वेब पेज में ऐसे सेल को क्रिएट करेंगे। तो हम रोस्पैन का यूज करेंगे। चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल करके बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रो क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारा जो मेन अपनी हमारी हेडिंग है वो होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारी मेन हेडिंग है वो होगी, जो हमारी है फेवरेट की, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी फर्स्ट है हमारी हेडिंग। अब हमने क्या करना है, जो हमारी अगली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो हमने इसी रो में लेनी है। तो वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, हमारी कलर की, नेक्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी कलर की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे इसकी वैल्यू हमारी क्या थी कलर की, कलर में हमने क्या लेना था, टीडी, हमारी आगे कलर की वैल्यू क्या थी, जितने भी आप लेना ले सकते हो, जितने भी अपने मल्टी सेल्स बनाने हैं, रेड, अगर हमने एक और बनाना है तो हम एक और टीडी टैग का यूज करेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्या थी, ब्लू। तो हमारी ये हमारी एक रो क्रिएट हो चुकी है। अगर हम सपोज इसको देखें कि हमारा कैसे टेबल क्रिएट हुआ है, तो ये देखिए हमारा ऐसे टेबल क्रिएट हो गया। ये हमारा फेवरेट है, ये हमारा कलर है, ये हमारा रेड है, कलर हमारा रेड है और ब्लू है। अब इसमें हमने सेकंड रो और क्रिएट करनी है, जो है हमारी फेवरेट फ्लेवर की,
मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने सेकंड रो क्रिएट करनी है क्योंकि वो इसके नीचे आएगा, फिर जो हमारा फ्लेवर होगा वो कलर के नीचे आएगा, तो हमें एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे हम हमारा आएगा फ्लेवर, यहाँ पे हम लिख देंगे वेनिला, यहाँ पे बटरस्कॉच। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको अभी रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि ये ऐसे आ रहा है, मतलब कि जो ये हमारा फ्लेवर है वो फेवरेट के नीचे आ रहा है, जबकि जो ये हमारा फेवरेट है उसका साइज इन दो रोज के बराबर होना चाहिए, और ये फ्लेवर कलर के नीचे आना चाहिए, और वेनिला रेड के नीचे आना चाहिए, और बटरस्कॉच ब्लू के नीचे आना चाहिए, मतलब कि ये इधर को शिफ्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने जो ये फेवरेट का साइज है वो दो रोज के बराबर करना है, मतलब ये फेवरेट है ये पूरा यहाँ तक आ जाए, और ये फ्लेवर वेनिला बटरस्कॉच राइट साइड को शिफ्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसका साइज हमने दो रोज के बराबर करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोस्पैन इज इक्वल्स टू टू, यहाँ पे हम टू पास कर देंगे क्योंकि हमने इसका साइज दो रोज के बराबर करना है। अभी इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए इसका साइज है जो वो दो रोज के बराबर हो चुका है, और ये फ्लेवर वेनिला और बटरस्कॉच भी राइट साइड को शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे फ्रेंड्स हम अपने टेबल में रोस्पैन का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।